जानना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक टूल है। आपकी लाइफ की क्वालिटी आपके थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। सुकरात, कन्फ्यूशियस, रेने डेस्कार्टेस और विलियम जेम्स, इन सब ने सोचने के बेहतर तरीके बताए थे। ग्रीक फिलोसोफर सुकरात हर चीज पर सवाल उठाया करते थे, यहां तक कि अपने थॉट्स पर भी। जब उन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान कहा गया तो सुकरात ने कहा था कि मुझे बस एक चीज का यकीन है कि मैं कुछ नहीं जानता। सच तो यह है कि सुकरात का ये कहना है कि वो कुछ नहीं जानते, ये कहना ही उन्हें बुद्धिमान बनाता है। फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेस्कार्टेस 17वीं शताब्दी में इससे भी एक कदम आगे बढ़ रहे थे। उन्हें दुनिया की हर चीज पर डाउट था, यहां तक कि खुद के अस्तित्व पर भी। डेस्कार्टेस कहते थे कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उन्होंने नतीजा निकाला कि उनका अस्तित्व उनके सोचने की वजह से है। डेस्कार्टेस अपने थॉट्स के बारे में सोचा करते थे और उसमें कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शन यानी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थॉट्स उसमें उन्हें मिले। उन्हें यह एहसास हुआ कि हमें अपने बिलीव्स के सोर्स पर भी सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से बिलीव्स दूसरों के नजरिए या राय से आते हैं। एक पल के लिए सोचो, आपके ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हैं? आपके पहले एजम्पशन यानी बिना जांचे परखे कुछ बस मान लेना, पर बेस्ट कौन से थॉट्स हैं? आपके अंदर फैक्ट्स और झूठ का फर्क समझने की काबिलियत है। विलियम जेम्स ने प्रैग्मेटिज्म को फर्स्ट एजम्पशन से हटकर फैक्ट्स और रिजल्ट्स पर गौर करने के तौर पर डिफाइन किया। आपके थॉट्स का कोई प्रैक्टिकल पर्पज होना चाहिए, नहीं तो वह बेकार है। स्ट्रेट थिंकिंग का यही मतलब है। याद रखें कि आपके लाइफ की क्वालिटी आपके थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, इसलिए अपने थॉट्स को बुद्धिमानी से चुनें। नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ इज नॉट लीनियर। कई लोग सोचते हैं कि लाइफ लीनियर है यानी एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह सीधी चलती है। हम कई चीजों को सच मान लेते हैं, हम अपने आसपास के लोगों के माइंडसेट और बिलीफ्स को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, डेरियस को लगता था कि वो कॉलेज ग्रेजुएट हैं तो उन्हें आसानी से जॉब मिल जाएगी, लेकिन जल्द ही उनके सामने कड़वा सच आ गया, लाइफ में कुछ भी सर्टेन या फिक्स नहीं है और पैसा पेड़ पर नहीं उगता। पैसे कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कॉलेज डिग्री का पैसा कमाने से कोई लेना देना नहीं है। डेरियस को एहसास हुआ कि स्किलफुल होना कॉलेज डिग्री से लेना ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं तो यानी आप उस काम में और ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और आपके एक्सीलेंट स्किल्स के बदले में लोग आपको ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार रहेंगे। डेरियस ने यह भी सीखा कि किसी गोल को अचीव करना कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। हालांकि ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां एक स्ट्रेट एरो है जो आपको अपने गोल की तरफ ले जा सकता है। आपको वहां तक पहुंचने के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। हालांकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। आपके गोल तक पहुंचने का यह सफर उतार चढ़ाव से भरा होगा। यह स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होता है, इसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और घुमावदार है। डेरियस खुद अपना बॉस बनने से पहले कई लोगों के लिए काम कर चुके थे। उन्होंने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया था तो चला नहीं, तो निराश हो गए और उन्होंने लगभग हार मान ली थी। डेरियस को एहसास हुआ कि उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए बैकअप प्लान की और दूसरे ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। एक्सेप्ट कर लेना कि लाइफ सीधी नहीं चलती है, हमें क्लियरली सोचने में हेल्प करता है। बिजनेस स्टार्ट करने के अलावा डेरियस रियल एस्टेट में भी इंटरेस्टेड थे। शुरुआत में वो लंदन या एम्स्टरडैम में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन रियल एस्टेट का कॉस्ट इन शहरों में काफी ज्यादा था और उनके पास इतना पैसा नहीं था। इसलिए डेरियस ने दूसरे ऑप्शंस ढूंढने शुरू किए। उन्होंने बढ़ते हुए रियल एस्टेट मार्केट को स्टडी किया और आखिर में नीदरलैंड में अपने होम टाउन में ही इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। यहां दाम कम थे और पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी। उनके शहर में स्कूल और बिजनेस में खूब इन्वेस्ट किया जा रहा था। इसके अलावा डेरियस वहां कई लोगों को जानते थे क्योंकि वो पहले वहां रहा करते थे। जल्दी उन्हें अपने होम टाउन में एक अच्छी ही डील मिल गई। आप इस एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि अपने गोल्स अचीव करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन फेल हो गया है तो आप दूसरा ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। एक और लेसन यह है कि पॉपुलर चॉइस हमेशा राइट चॉइस नहीं होती। आपको खुद डिसाइड करना चाहिए और फैक्ट्स के बेसिस पर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए।
फिल्टर योर थॉट्स। हम दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ब्रेन फिल्टर करने के लिए इवॉल्व हुआ है और ये मेंटल शॉर्टकट्स यूज करता है। ये शॉर्टकट्स हमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और जल्दी से डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। इन मेंटल शॉर्टकट्स को ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये वो स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें हम एक जैसे प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हैं। ह्यूरिस्टिक का एक एग्जाम्पल है ट्रायल एंड एरर मेथड। वैसे ये हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि करियर बनाने के लिए अगर आप ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करेंगे तो शायद सक्सेसफुल होने से पहले आपकी पूरी लाइफ उसमें निकल जाए। एक और इम्प्रैक्टिकल ह्यूरिस्टिक है सोशल प्रूफ। ये तब होता है जब हम वो फॉलो करते हैं जो दूसरे करते हैं और कहते हैं, और हम खुद नहीं सोचते। वही फैमिलियरिटी यानी कि जाना पहचाना का मतलब है एक ही रूटीन को फॉलो करना। फैमिलियरिटी के साथ प्रॉब्लम यह है कि कई बार हमें कुछ बड़ा और कमाल का करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है, इसलिए ह्यूरिस्टिक या मेंटल शॉर्टकट्स अक्सर नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। ह्यूरिस्टिक से बेहतर है कि थॉट्स को फिल्टर करने और डिसीजन लेने के लिए प्रैग्मेटिज्म अप्लाई किया जाए, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म का बेसिक आइडिया है ट्रू इज व्हाट वर्क्स, यानी कि जो काम करता है वही सच है। जैसे कोई इंसान कह सकता है कि ड्रग्स लेने से मुझे फायदा होता है, लेकिन आपको इसका इंटरनल मीनिंग नहीं लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक कहावत है कि गुड थिंग्स कम टू दोस हु वेट, यानी जो सब्र रखते हैं उन्हें अच्छा फल मिलता है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आप घर के अंदर बैठकर अच्छे रिजल्ट का वेट करते रहें। इसके बजाय आप ट्रू इज व्हाट वर्क्स को थॉट्स के लिए एक फिल्टर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर सके। ट्रू इज व्हाट वर्क्स का मतलब है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना जो डायरेक्टली आपकी लाइफ को इंपैक्ट करती है।